नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत लाइव में। एक और बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने जिस थोड़ी देर पहले घटना में का मैं जिक्र कर रहा था कि एक NMCH के औचक निरीक्षण में मंगल पांडे जी पहुंचे थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि तथाकथित रूप से डॉक्टरों ने वहां परेड किया, बाहर इंतजार किया, उनके स्वागत में फूलमाला लेकर खड़े रहे। अब ये बातें कितनी सत्य हैं वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, हम ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहे, लेकिन मंगल पांडे पहुंचे और बाहर डॉक्टर्स खड़े थे। इसके चलते क्या हुआ कि एक भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई। वो कोरोना पीड़ित थे, बाहर इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर उन्हें अटेंड करें, लेकिन चूंकि मंगल पांडे जी के इंतजार में डॉक्टर्स खड़े थे तो वो नहीं मिल पाए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो किस तरह से तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है और ये आरोप लगाया है कि मंगल पांडे जी बिहार में ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं वो भी जब बताएंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। समझने की कोशिश कीजिए जो परिवार पीड़ित है वो किस तरह से अंतिम स्थिति में, जब उसके परिजन थे, वो प्रयास कर रहा था बच्चा कि अपने पिता को बचा ले, भूतपूर्व सैनिक थे, लेकिन डॉक्टरों की अनुपलब्धता की वजह से उसके पिता ने दम तोड़ दिया। बहुत गर्मी थी ये भी बता रहा है वो, और कोरोना पीड़ित थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सांस उनकी अटक रही थी। इस पूरे वाक़े पर पहले तो हमने आपको खबर दिखाई कि किस किसने हमला किया है, अब तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर हमला करते हुए लिखा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बंगाल के चुनाव के दौरे से लौटने के बाद खानापूर्ति और खबर पूर्ति के लिए NMCH का दौरा करते हैं, अस्पताल प्रशासन मंत्री की आवाभगत में लग जाता है, इसी बीच अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें भर्ती नहीं किया गया, यही तो राम राज्य है। ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा अगले ही ट्वीट में वो लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में ट्वीट है इसलिए समझिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी एंड JP नड्डा जी टू स्पेयर बिहार हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम BJP's बंगाल इलेक्शन ड्यूटी। उनका कहना है कि मैं आग्रह करता हूं नरेंद्र मोदी जी से और JP नड्डा जी से कि वो बंगाल के ड्यूटी से, बंगाल के इलेक्शन की ड्यूटी से मंगल पांडे जी को, जो कि बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको माफ कर दें। माफी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव जी मंगल पांडे के बिहाफ में, और नीचे वो लिख रहे हैं हिज टोकनिज्म एज बिहार हेल्थ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी कॉस्ट मेनी प्रेशियस लाइव्स सिंस लास्ट ईयर, नथिंग हैज बीन डन टू रैंप अप कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हॉस्पिटल्स इन बिहार। यानी साधारण भाषा में आपको समझा दूं तो वो कह रहे हैं कि बिहार में पिछले साल से ही जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था, मैंने कई बार आग्रह किया कि नीतीश कुमार जी, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी, बिहार में सुविधाएं बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन को लेकर तैयारियां की जाए, जो बेड हैं उनकी व्यवस्था की जाए और कोरोना से लड़ने के लिए हम तैयार रहें, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बंगाल चुनाव में चले जा रहे हैं आप, एक टोकन यानी किसी तरह से कहा जा सकता है कि नाम पुराने के लिए आप बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बने हुए हैं, काम आप कर नहीं रहे हैं, काम आप बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार का कर रहे हैं, ऐसे में आपकी जो उपयोगिता एक हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम आग्रह करेंगे नरेंद्र मोदी जी से और JP नड्डा से कि वो आपको बंगाल की ड्यूटी से मुक्ति दे दे, माफी दे दे। और इसके बाद ही ट्वीट एक और हुआ है, वो ट्वीट मंगल पांडे ने किया है, जिस ट्वीट के बारे में चर्चा मैंने आपको थोड़ी पहले की थी, उसमें उन्होंने अपना लोकेशन भेजा है तेजस्वी यादव जी को और बताया है कि मैं बंगाल में नहीं बल्कि अपने आवास पर हूँ, पटना में हूँ, उपलब्ध हूँ, कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, कोरोना से लेकर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उस पर चर्चाएँ हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, 17 तारीख को एक और बड़ी मीटिंग होनी है जिसमें हम तय करेंगे लॉकडाउन को लेकर बिहार की चर्चा कैसे होगी। तो इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और मंगल पांडे आमने सामने हो गए हैं। RJD के अलग अलग कार्यकर्ता भी मंगल पांडे को लेकर काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं। अब देखना होगा कि आगे चल के मंगल पांडे जी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे जी के लिए नरेंद्र मोदी और JP नड्डा से माफ़ी मांग ली है कि उनको माफ़ किया जाए। आपको क्या लगता है, वाकई जो बंगाल के चुनाव हैं, ऑब्वियसली बंगाल चुनाव तो हो ही रहे हैं, कोरोना है भी, तो क्या जिन राज्यों में वाकई चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं फैल रही है क्या? और क्या बिहार में जो मांग हो रही है, जो अलग अलग वोटर्स हैं, अलग अलग जो इलाके हैं उनमें तस्वीर, उनमें पोस्टर लगाया गया है कि कोरोना की स्थिति देखते हुए, और कोरोना क्योंकि बंगाल चुनाव जहाँ होता है वहाँ नहीं होता है, तो क्यों ना बिहार में भी चुनाव करा दिया जाए? आपको क्या लगता है कि बिहार में कोरोना का इलाज केवल चुनाव ही है क्या? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जवाब दीजिए और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।